12 से 2 देश के पॉलिटिकल शो का समय है और आज देश का पॉलिटिकल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो इस वक्त क्या हो सकता है जरा सोचिए आप। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद देश की सियासत में उबाल है। और जिस जगह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको गिरफ्तार कर कल रात ईडी की टीम लेकर आई थी वो यहीं मेरे पीछे ये ईडी का मुख्यालय है जहां इस वक्त भी अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि यहां से कब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी राउस एवेन्यू कोर्ट में जहां ईडी ने तैयारी तो बड़ी की है अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने की। तो पॉलिटिकल शो में आज की सबसे बड़ी सियासी खबर को डीकोड करने के लिए यहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, रोज आप मेरे साथ स्टूडियो में देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी को, अभय दुबे जी को और साथ ही आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उसके तौर पर वरिष्ठ वकील के शर्मा जुड़ रहे हैं आज के शो में। बहुत स्वागत आप सभी का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए जहां अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 दिन की ईडी की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज सबसे पहले बताइए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आश्वासन मिल गया है कि अर्जेंट बेसिस पर जो 3 जजों की बेंच है वो इस मामले में सुनवाई करेगी तो उस सुनवाई का इंतजार या नहीं ईडी अपने शेड्यूल के हिसाब से दोपहर 2 बजे जो समय बताया जा रहा है उस वक्त निकल जाएगी राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना आपको बताना चाहूंगा कि ईडी अपने शेड्यूल के हिसाब से ही काम कर रही है। अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ की जा रही है और जैसा कि पहले भी मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो बार बार ईडी को यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है। ईडी अभी इस वक्त रिमांड नोट तैयार कर रही है और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि 2 बजे के बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ से राउस एवेन्यू कोर्ट चली जाएगी, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और ईडी की यही कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल का ज्यादा से ज्यादा दिन का जो रिमांड है वो लिया जा सके, क्योंकि ईडी को तमाम ऐसे सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछने जिनके जवाब अभी तक ईडी के पास नहीं है। जब ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था उस दिन एक स्टेटमेंट जारी की थी और स्टेटमेंट में साफ तौर पर ईडी ने ये बताया था कि ईडी की टीम जिनके जवाब केजरीवाल से लेना चाहेगी। लेकिन इस बीच जो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं ना, यहाँ पर के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जो सूत्र बता रहे हैं ईडी की टीम पूछताछ करना चाह रही है, अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं ईडी की तरफ से अंदर रिमांड नोट तैयार किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, मुश्किलें कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरू में जो पूरा मौका दिया गया था उस मौके को उनको कोर्ट के सामने खड़ा होकर ईडी के सामने खड़ा होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए था और ये लॉ है। अब इससे पीछे भाग रहे, बट ये भी एक कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है कि ईडी जो है वो 8-9 समन की वेट क्यों कर रही थी, जब 2-3 समन जब वो दिया गया और जब उसको इग्नोर किए तो उसी समय उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था क्योंकि उनके पास पावर तो था ही ईडी का। तो ये महत्वपूर्ण बात है और देखिए दोनों पक्षों की बातें अब आपको बता रहे हैं और ये ईडी दफ्तर के बाहर लगातार जिस तरीके की हलचल हो रही है ना वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब से कुछ मिनट पहले भी हमने भीतर जाती हुई कुछ गाड़ियों को देखा, अभी एक गाड़ी बाहर की तरफ निकल रही है। दोपहर 2 बजे का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच ईडी की तरफ से पूरी कोशिश उस बात को लेकर की जा रही है कि वो रिमांड नोट तैयार किया जाए जिसके आधार पर ईडी कम से कम 10 दिन की रिमांड लेना चाहती है अरविंद केजरीवाल की। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। कैविएट दाखिल करने का मतलब यह होता है कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, इस पूरे मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए, ये होता है कैविएट का मतलब। जब किसी पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल की जाती है किसी मामले को लेकर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा जाए तो अदालत सिर्फ एक तरफा बात सुनकर ही कोई फैसला ना सुना दे बल्कि कैविएट लगाकर ईडी ने यह दावा कर दिया है कि साहब कोई भी फैसला सुनाने से पहले आप हमारा पक्ष एक बार जरूर सुन लीजिएगा। यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि चाहे निचली अदालत हो या फिर दिल्ली हाईकोर्ट, गिरफ्तारी पर रोक को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश बहुत की गई
लेकिन किसी अदालत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक वाला आदेश नहीं दिया था। और फिर देखते ही देखते आनन फानन में कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है, 2 घंटे तक वहां पर पूछताछ होती है और रात 9 बजे खबर आ जाती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी 2 घंटे और इंतजार होता है अरविंद केजरीवाल के घर पर, जो तमाम औपचारिकता है वो पूरी की जाती है और फिर रात 11 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से लेकर निकलती है ईडी दफ्तर के लिए। यही वो ईडी का दफ्तर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहां कल रात से अभी तक अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। यहां तक कि जो मेडिकल किया जाता है ना गिरफ्तारी के बाद, उसके लिए आमतौर पर तो अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत संवेदनशील और खास मामला, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल है वो भी बाकायदा यहीं करवाया गया है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, ईडी की तरफ से कैवियट लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि मामला जब सुना जाए तो ईडी का पक्ष जरूर सुने अदालत। ये निश्चित तौर पर देखिए, ईडी भी ये बता रही है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो उसके पास में पुख्ता सबूत है। और रोमाना, इसके लिए हमको 24 घंटे पहले की सुनवाई जो दिल्ली हाईकोर्ट में हुई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से यही पूछा था कि आप अरविंद केजरीवाल को बार बार समन जारी कर रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते, क्या आपके पास में पुख्ता आधार है जो आप उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो ईडी ने बाकायदा सील्ड एनवलप में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने वो दस्तावेज, वो सबूत, वो तथ्य रखे थे जिसके आधार पर हाईकोर्ट को यह बताया था कि देखिए हमारे पास में ये सबूत है जिस पर हमको अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, लेकिन ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे। और उसी के बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो एक अंतिम राहत की मांग कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो नहीं दी थी। तो निश्चित तौर पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को शुरुआती तौर पर प्रिमा फैसी तौर पर कन्विंस किया था। और इसी वजह से आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ईडी यही बताने की कोशिश करेगी कि उसके पास में सबूत हैं और इस वजह से कस्टडी की जरूरत है। रोमाना, एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा और वो ये है कि जब भी निचली अदालत में किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पेश किया जाता दे रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से वो सील्ड लिफाफे में तथा कथित सबूत ईडी की तरफ से अदालत के सामने रखे गए, जिसके बाद कल हाईकोर्ट ने तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, और आज कैवियट लगाकर ईडी की एक बार फिर से वही तैयारी है कि अरविंद केजरीवाल का पक्ष जानने के बाद अदालत के सामने ईडी अपना तथ्य और अपने तर्क भी रख दे ताकि अदालत किसी निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच सके। ABP News, आपको रखे आगे।